हेलो व्यूअर्स, आई एम राम कुमार रेड्डी। जैसा कि और एनवायरनमेंट सब्जेक्ट के तीन तीसरा पार्ट है, और इनमें हमने क्रमशः जाना है कि जो प्राकृतिक संसाधन हैं वे सब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, और उनकी देखभाल बहुत ही आवश्यक है। वे हमारे जीवन के महत्वपूर्ण अंग हैं। जीवन चक्र, जलवायु परिवर्तन और विभिन्न प्रकार के जैविक और अजैविक पदार्थ, ये अभिन्न रूप से हमसे जुड़े हुए हैं और उनसे हम अलग नहीं हो सकते। उनके छोटे से परिवर्तन हमारे जीवन शैली को, जीवन प्रक्रियाओं को बहुत ही गहराई से प्रभावित करते हैं, और इस प्रकार की हमारे स्वास्थ्य से भी जुड़े होते हैं। तो अगर उन्हें हम वेस्ट के रूप में, यस वेस्ट के रूप में या कचरा के रूप में, जो हमें ज़रूरत नहीं है, इस रूप में बना देते हैं और उसको इस धरती पर फेंकते हैं, और तो वे सब चीज़ें हमारे पर्यावरण को प्रदूषित कर देती हैं, हवा को प्रदूषित कर देती हैं, जल को प्रदूषित कर देती हैं और ज़मीन को प्रदूषित करती हैं। जो बायोडिग्रेडेबल हैं वो तो किसी रूप में बदल जाती हैं, बहुत सारे उपयोगी हो सकते हैं। जो डिग्रेडेबल नहीं है, नॉन डिग्रेडेबल है, तो वे सब जो है इकट्ठा होकर के प्रदूषण पैदा करते हैं और हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, और पानी नहीं सब। तो इन सब के मैनेजमेंट के लिए, इन सब को कैसे सब में हानि न पहुँचाएँ, इसके लिए हमें जिन महत्वपूर्ण उपायों को करना है, उनके विषय में हम बात करेंगे आज। वो कौन सी चीज़ें हैं, कौन से उपाय हैं जिसका ध्यान रखने से, वो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखने से हमारे पर्यावरण में सकारात्मक परिवर्तन आ जाएगा और हमारा जीवन जो है, हमारा स्वस्थ जीवन को जी सकते हैं। और चलिए हम बात करते हैं उन सब उपायों के बारे में। सबसे पहला उपाय है रिफ्यूज, उन चीज़ों को जो हमारे वातावरण को दूषित करती हैं और डिग्रेडेबल नहीं है, बायोडिग्रेडेबल नहीं है, जिनका परिवर्तन नहीं हो सकता है और ऐसे बहुत दिनों तक पड़ी रह सकती हैं, उनको लेना स्वीकारना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, पॉलीथीन एंड प्लास्टिक से बने हुए सामान को रिफ्यूज किया जाए, जिसको R1 कहा जाता है, रिफ्यूज पॉलीथीन प्लास्टिक एटीसी। तो पहला उपाय है रिफ्यूज, उसको ही न लें घर पे। अगर घर पे लेके आते हैं तो डिग्रेडेशन नहीं हो सकता है, डिग्रेडेबल नहीं है, जिसे रूप में बदलेंगे नहीं, तो यहाँ फेंकेंगे पर्यावरण में, वो प्रदूषित करते हैं। इसी तो फर्स्ट स्टेप, पहला उपाय ये है रिफ्यूज। दूसरा उपाय के बारे में चलते हैं, वो है रिड्यूस, यानी उसको रिड्यूस करना है, यानी कम करना है। जो बहुत तरह की चीज़ें जो हमारी ज़रूरत की नहीं है, वो हम उसको ले लेते हैं और उससे जो है वेस्ट बढ़ता है, तो इससे वेस्ट कम है, उसका ध्यान रखना चाहिए। तीसरा उपाय ये है रीयूज, यानी उस चीज़ को रीयूज किया जा सकता है,
इससे जो है और नहीं खरीदा जाएगा और पैसा भी बच सकता है, प्लस वेस्ट भी कम होगा। तो ऐसे जो तीसरा उपाय है रीयूज, उसको भी ध्यान रखने के लिए रीयूज में इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग थिंग्स और यूजिंग आइटम्स कैन हेल्प इन डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए हम जो है पेपर, जो प्रिंटेड पेपर हैं, एक साइड में छपे होते हैं और दूसरी तरफ नहीं छपे हैं, तो उसका यूज हम कर सकते हैं दूसरा साइड। पेपर कैन बी यूज फॉर मेकिंग पेपर बैग्स एज वेल, तो इस तरह से यूज कर सकता है। चौथा उपाय है रिसाइकिल। रिसाइकिल का मतलब पुनः उपयोग कर लेना, जिससे यूजलेस चीज़ें हैं जो नया रूप में बदल सकते हैं, उसी को रिसाइकिल कहा जाता है। जैसे व्हीकल्स है, गाड़ियाँ जो खराब हैं, जैसे अखबार है, प्लास्टिक है की बनी हुई चीज़ें, इसका जो रिसाइकिल हो सकती है। दिस वेयर फोर आर्स रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। यूजलेस थिंग को यूजफुल बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कुछ टूटी फूटी चीज़ें हैं, उनका पिन रखने के लिए चीज़ बना सकते हैं, बोतल है उसका फूल दान बना सकते हैं, इसी तरह से जो वेस्ट मटेरियल है उसको खून को यूज कर सकते हैं। आइडिया इज दिस दैट नथिंग इज वेस्ट इन दिस वर्ल्ड, ट्राई टू यूज एवरीथिंग। इस संसार में जितनी भी चीज़ें हैं सबका यूज हो सकता है, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। दिस सेंटेंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वी शुड रिमेंबर जितनी भी चीज़ें हैं हमारे इन्वायरमेंट में सबका यूज करना चाहिए और करने का प्रयास करना चाहिए टू कीप आवरसेल्फ हेल्दी। थैंक यू फॉर बीइंग हियर, थैंक यू वेरी मच।